देखिए टॉपिक का नाम क्या है, एब्स्ट्रैक्शन। जब कभी भी आप ऑप्स पढ़ रहे होते हैं और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट में आपने अगर ऑब्जेक्ट क्लास इनहेरिटेंस इनकैप्सुलेशन और पॉलीमॉर्फिज्म जैसे चीजों को पढ़ लिया है, तो अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो होता है एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन जो वर्ड है इसका क्या मतलब है, या एब्स्ट्रैक्ट वर्ड का क्या मतलब होता है? देखिए रियल वर्ड के अंदर एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है सो फंक्शनैलिटी हाइड कॉम्प्लेक्सिटी। क्योंकि क्योंकि जितने भी ऊप्स के टॉपिक हैं, चाहे वो पॉलीमॉर्फिज्म ही क्यों ना हो, चाहे वो इनकैप्सुलेशन क्यों ना हो, हर टॉपिक का अपना पहले रियल वर्ल्ड में कुछ मीनिंग होता है, फिर कोडिंग में कुछ मीनिंग होता है। तो एब्स्ट्रैक्शन जो टॉपिक है इसका रियल वर्ल्ड में क्या मीनिंग है, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है समथिंग हिडन, राइट। तो अब क्वेश्चन ये है कि हिडन क्या होता है, क्या डेटा एब्स्ट्रैक्शन वर्ड कहीं होता है? देखिए मैं तो मेरा एक व्यू है एज अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेवलपर कि जो एब्स्ट्रैक्शन नाम का टॉपिक है यहां पे डेटा पे कभी एब्स्ट्रैक्शन नहीं होता, डेटा की हमेशा हाइडिंग होती है। डेटा हाइडिंग के लिए इनकैप्सुलेशन पढ़ते हो ताकि डेटा आपका प्रोग्राम के बाहर ना जाए। तो कई बारी आप ये वर्ड यूज करते हो सर डेटा एब्स्ट्रैक्शन, तो डेटा एब्स्ट्रैक्शन नहीं होता, एब्स्ट्रैक्शन फंक्शनलिटी पे होता है और ये भी एक फंक्शनलिटी से रिलेटेड ही टॉपिक है, डेटा से रिलेटेड टॉपिक नहीं है। जैसे पॉलीमॉर्फिज्म जो टॉपिक था, जो आपने अभी इससे पहले आपने सेशन में देखा देखा उसमें हमने क्या करा, पॉलीमॉर्फिज्म फंक्शनलिटी के ऊपर अचीव किया, बिल्कुल उसी तरह से ये जो एब्स्ट्रैक्शन नाम का टॉपिक है ये भी फंक्शनलिटी पे अचीव होता है, डेटा पे नहीं। तो इसका मतलब क्या होता है और इसका कंसेप्ट क्या होता है? देखिए एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है सो फंक्शनलिटी हाइड कॉम्प्लेक्सिटी। अगर आपको इससे नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे बोल दो कि सो फंक्शन एंड हाइड इट्स इंप्लीमेंटेशन, किसी भी फंक्शन को सो कराना और उस फंक्शन की जो इंप्लीमेंटेशन है वो आपसे हिडन करा लेना एब्स्ट्रैक्शन का पर्पज होता है, जिसमें आपको फंक्शन के बारे में पता तो चल जाता है फंक्शन चल रहा है, बट वो फंक्शन कैसे चल रहा है वो आपसे हिडन होता है। मतलब आप ऐसा बोल सकते हो कि एक फंक्शन की फंक्शनलिटी से हमें मतलब हो बट उसकी इंटरनल डिटेल से हमें मतलब नहीं हो, दैट इज कि हाउ इट फंक्शनलिटी इज वर्क, दैट इज व्हाट एब्स्ट्रैक्शन। रियल वर्ल्ड के एग्जांपल समझते हैं, जैसे किसी वेबसाइट में आपने लॉगिन किया, लॉगिन एक फंक्शनलिटी है, लॉगिन फंक्शनलिटी को जैसे आपने करा लॉगिन हो गया, बट लॉगिन कैसे कैसे हुआ इसकी इंटरनल डिटेल क्या है वो हमसे हमसे क्या है हिडन है, जो आपको दिख नहीं रही है। फंक्शनलिटी से तो आप डील कर रहे हो बट उसकी इंप्लीमेंटेशन से आप डील नहीं कर रहे हो, दैट इज एब्स्ट्रैक्शन। आपने एक कोई जीयूआई एप्लीकेशन बनाई है, उस एप्लीकेशन के अंदर आपने क्या करा बटन पे क्लिक करा, जैसे बटन पे क्लिक करोगे बटन के क्लिक करने से कोई इवेंट हो जाएगा, बट वो इवेंट कैसे हुआ उसकी इंटरनल डिटेल क्या है ये चीजें आपसे हिडन है। मतलब जिसकी केवल फंक्शनलिटी फंक्शनलिटी से आप डील करें वही हमारा एब्स्ट्रैक्शन होता है, बट उसकी इंप्लीमेंटेशन से डील ना करें। कोई भी फंक्शन जैसे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एग्जाम्पल ले लो, आपने उसको लिखते ही देखा कि आपके सामने स्क्रीन के सामने एक मैसेज आ गया, बट वो कैसे कैसे ये मैसेज इंटरनली आपको दिखा रहा है ये आपके लिए एब्स्ट्रैक्शन है। तो एब्स्ट्रैक्शन मतलब सोइंग द एसेंशियल फंक्शनलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड हाइडिंग इट्स अनएसेंशियल कॉम्प्लेक्सिटी। किसी भी ऑब्जेक्ट की जो एसेंशियल फंक्शनलिटी होती है, जो आवश्यक वाली चीजें होती है, जरूरत वाली चीजें होती हैं उसको शो कराना, उसकी जो अनएसेंशियल चीजें होती हैं उसको हाइड कराना एब्स्ट्रैक्शन होता है। तो आप इसे लिख सकते हैं एब्स्ट्रैक्शन मीन्स सो फंक्शन हाइड इंप्लीमेंटेशन, सो फंक्शन हाइड इंप्लीमेंटेशन। सो एब्स्ट्रैक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ सोइंग द एसेंशियल फंक्शनलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एब्स्ट्रैक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ सोइंग द एसेंशियल फंक्शनलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एब्स्ट्रैक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ सोइंग द एसेंशियल फंक्शनलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड हाइडिंग द अनएसेंशियल कॉम्प्लेक्सिटीज। एब्स्ट्रैक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ शोइंग द एसेंशियल फंक्शनलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एसेंशियल फंक्शनलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड हाइडिंग अनएसेंशियल कॉम्प्लेक्सिटी। सो किसी भी ऑब्जेक्ट की एसेंशियल फंक्शनलिटी मतलब जो जरूरत वाली चीजें होती हैं उसको शो कराना और अनएसेंशियल वाली चीजें हाइड कराना एब्स्ट्रैक्शन कराता है। आप ऐसे भी बोल सकते हो शो फंक्शन एंड हाइड इट्स इंप्लीमेंटेशन। और जब कभी भी आप इसे इंटरव्यू में समझाएं तो आप जरूर बोलें कि सर दिस कंसेप्ट इज ऑलवेज अचीव ऑन द फंक्शन नॉट ऑन द डेटा। तो डेटा एब्स्ट्रैक्शन वर्ड कुछ नहीं होता है, हमेशा हमेशा वर्ड जो होता है वो होता है एब्स्ट्रैक्शन का फंक्शनलिटी से, ये फंक्शनलिटी से रिलेटेड है। तो एब्स्ट्रैक्शन जो कंसेप्ट है इस कंसेप्ट को क्यों पढ़ रहे हैं हम, इसका पर्पज क्या है, अगर आपसे किसी ने पूछा तो जाहिर सी बात है ये इसकी डेफिनेशन से क्लियर हो गई कि किसी ऑब्जेक्ट की कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करते हुए उसकी फंक्शनलिटी को आपको शो कराना एब्स्ट्रैक्शन है, दैट्स इट। तो
तो कहने का मतलब है कि अगर आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट की केवल फंक्शनलिटी से आपको डील कराना है तो एब्स्ट्रैक्शन अचीव कर लीजिए। तो कहीं ना कहीं एब्स्ट्रैक्शन से क्या हो रहा है, कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस हो रही है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हो रहा है, एब्स्ट्रैक्शन के थ्रू हम रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म अचीव कर सकते हैं। तो यू कैन से दैट एब्स्ट्रैक्शन इज अनदर वे टू अचीविंग द रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन इज अनदर वे टू अचीविंग द पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव करने का एक अनदर वे है, अनदर अप्रोच है, क्योंकि क्योंकि पॉलीमॉर्फिज्म जो कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट को अचीव करने के लिए जो हम आप कास्टिंग करते थे, मेथड ओवरराइडिंग का कंसेप्ट करते थे, वो सारे कंसेप्ट यहाँ पे कराए जा सकते हैं। तो एब्स्ट्रैक्शन इज अनदर वे टू अचीविंग द पॉलीमॉर्फिज्म, टू अचीविंग द रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। तो ये बेसिकली एब्स्ट्रैक्शन नाम का कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट को अचीव कैसे करें, इस कंसेप्ट को अचीव करने के लिए जैसे जैसे अगर हम बात करें हमारा पॉलीमॉर्फिज्म कंसेप्ट होता है, तो पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव करने के लिए हम क्या करते हैं, बेसिकली मेथड ओवरलोडिंग, मेथड ओवरराइडिंग। उसी तरह से एब्स्ट्रैक्शन नाम के कंसेप्ट को अचीव करने के लिए हमें यूज करना पड़ता है दो कंसेप्ट। एक कंसेप्ट का नाम है एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो होती है ये भी एब्स्ट्रैक्शन को अचीव करती है, और दूसरा एब्स्ट्रैक्ट क्लास, और दूसरा होता है हमारा इंटरफेस। इंटरफेस, सो एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड इंटरफेस, व्हाट आर दीज टॉपिक्स, दीज आर नथिंग बट अ इंप्लीमेंटेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, इंप्लीमेंटेशन, इंप्लीमेंटेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। सो हाउ वी कैन इंप्लीमेंट द एब्स्ट्रैक्शन, तो द इंप्लीमेंटेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, द इंप्लीमेंटेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्शन इज प्रोवाइडेड बाय एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड इंटरफेस। सो नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट आर द डिफरेंसेस, बोथ आर यूज्ड टू अचीविंग द लाइक एब्स्ट्रैक्शन। तो कुछ तो ऐसा होगा जिसमें इन दोनों में डिफरेंस होता होगा, बिल्कुल। इट प्रोवाइडिंग द 0 to 100% एब्स्ट्रैक्शन, इट प्रोवाइडिंग द 0 to 100% एब्स्ट्रैक्शन एंड इट प्रोवाइडिंग द 100% एब्स्ट्रैक्शन। यहाँ पे जो एब्स्ट्रैक्शन होता है वो होता है पार्शियली, तो आप लिख सकते हो कि पार्शियली इंप्लीमेंटेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, पार्शियली इंप्लीमेंटेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, ये इंप्लीमेंटेशन देता है पार्शियली एंड इट प्रोवाइडिंग द फुल्ली इंप्लीमेंटेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, फुल्ली इंप्लीमेंटेशन, इंप्लीमेंटेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। तो नाउ देयर आर टू अप्रोचेस, टू वेज आर यूज्ड टू अचीविंग द एब्स्ट्रैक्शन, वन इज एब्स्ट्रैक्ट क्लास, अनदर इज इंटरफेस। एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस दोनों के दोनों एब्स्ट्रैक्शन को अचीव करने के अलग अलग तरीके हैं। एब्स्ट्रैक्शन को अचीव करने का जो तरीका एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, इसमें 0 to 100% एब्स्ट्रैक्शन करते हैं, इसमें पार्शियली इंप्लीमेंटेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्शन करते हैं, और इंटरफेस में हम 100% एब्स्ट्रैक्शन अचीव करते हैं। और अगर आपको एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस के बारे में पढ़ना है, तो पहले और इसके बीच में और भी क्या क्या डिफरेंसेस हैं वो जानना है, तो सबसे पहले आपको एब्स्ट्रैक्ट क्लास स्टार्ट करना चाहिए। अगर आपने एब्स्ट्रैक्ट क्लास को पढ़ना है तो पहले आपको एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का आइडिया होना चाहिए कि एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड क्या होता है, किस लिए वर्क करता है, कैसे वर्क करता है, कहाँ कहाँ लगाया जा सकता है। फिर एब्स्ट्रैक्ट क्लास पढ़ते हुए फिर हम इंटरफेस पे आएंगे। वैसे ओवरऑल एब्स्ट्रैक्शन का कंसेप्ट यही करता है कि इसको अचीव अगर आपको करना है जावा के अंदर, इसे अचीव करना है तो आपको ये दो टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं, यहाँ पे जानते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के थ्रू हम एब्स्ट्रैक्शन कैसे अचीव करते हैं। तो हेडिंग क्या डालेंगे आप, एब्स्ट्रैक्ट क्लास, एब्स्ट्रैक्ट क्लास। सो नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट क्लास। देखिए अगर आपको एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में जानना है तो सबसे पहले आपको क्या जानना होगा, सबसे पहले आपको एब्स्ट्रैक्ट नाम का कीवर्ड जानना होगा। तो एब्स्ट्रैक्ट बेसिकली क्या है, एब्स्ट्रैक्ट यहाँ पे बेसिकली एक कीवर्ड है, साथ ही साथ एक मॉडिफायर है। तो एब्स्ट्रैक्ट एक कीवर्ड है एंड एज वेल एज ये एक मॉडिफायर है, इट इज ऑल्सो अ मॉडिफायर, इट इज ऑल्सो अ मॉडिफायर। एंड ये मॉडिफायर कहां कहां लगाया जा सकता है, ये मॉडिफायर किसी क्लास पे लगाया जा सकता है, ये किसी मेंबर फंक्शन पे लगाया जा सकता है, बट ये मॉडिफायर इन दो जगहों पे लगाया जा सकता है। यहां पे मैं टिक का साइन लगा देता हूं, कैन बी अप्लाइड बट एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड कैन नॉट बी अप्लाइड विद अ डीएम, मतलब डेटा मेंबर। एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड कैन नॉट बी अप्लाइड विद अ कंस्ट्रक्टर। तो ये जो कंस्ट्रक्टर होता है या डेटा मेंबर होता है, इनके आगे आप एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड नहीं लगा सकते। एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड और केवल आप किसी क्लास या किसी मेथड के आगे लगा सकते हैं। तो इसीलिए मैंने आपको बोला कि एब्स्ट्रैक्शन कभी
डेटा पे अचीव नहीं होता। देखिए जावा भी खुद कहता है कि अगर आप किसी डेटा के आगे एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगाओगे लिखा जाएगा इलीगल मॉडिफायर, ये मॉडिफायर इलीगल है, आप इसे यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। तो एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड केवल और केवल क्लास या केवल हम मेथड पे लगा सकते हैं। तो जब हम किसी क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बनाते हैं या किसी मेथड को एब्स्ट्रैक्ट बनाते हैं तो फिर क्या क्या चीजें होती हैं ये जरा हम जान लेते हैं। तो देखिए बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है कि व्हेन यू पुट द एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड विद अ क्लास तो क्लास बिकम एब्स्ट्रैक्ट, व्हेन यू पुट द एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड मेथड तो मेथड बिकम एब्स्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे चीजें क्या है कि कोई क्लास कब एब्स्ट्रैक्ट होता है, कोई मेथड कब एब्स्ट्रैक्ट होता है पता कैसे चलेगा, जब क्लास के आगे एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगा होगा, जब मेथड के आगे एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगा होगा। तो जब किसी मेथड या क्लास के आगे एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगा हो तो समझ लीजिए वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास या एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। उसको बनाने का पर्पज क्या है, बनाने के पर्पज को हम जानते हैं। अभी कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं हमसे, बताइए एब्स्ट्रैक्शन कंसेप्ट क्लियर है। क्यों पर एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाने से पहले एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड मेथड पे जब लगाते हैं तो क्या होता है वो जरा जान लेते हैं। देखिए आप लिख लीजिए व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट मेथड, एब्स्ट्रैक्ट मेथड के बारे में लिखिए, एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होते हैं। देखिए एब्स्ट्रैक्ट मेथड वो होते हैं व्हेन यू पुट द एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड विद अ मेथड, व्हेन यू यूज द एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड विद अ मेथड तो इट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट मेथड। ठीक है ना, सिंपल सा मतलब है अगर आपने किसी मेथड के आगे एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगाया हुआ एब्स्ट्रैक्ट मेथड बन गया। ठीक है समझिए, जैसे ये देखिए एक नॉर्मल मेथड है वाइड शो, ये वाइड शो एक मेथड है तो इट इज अ नॉर्मल मेथड, इट इज अ नॉर्मल मेथड, नॉर्मल मेथड। बट नाउ इट बिकम अ व्हाट एब्स्ट्रैक्ट मेथड, हाउ, व्हेन यू पुट द एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड बिफोर इट, आपने एब्स्ट्रैक्ट वाइड शो लगा दिया तो ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड बन गया। बट ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड अगर ऐसे बनाओगे तो यहाँ पे एरर आ जाएगा, क्यों, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट मेथड की डेफिनेशन नहीं होती है ना, एब्स्ट्रैक्ट मेथड कैन नॉट बी डिफाइंड, इट कैन बी इट मस्ट बी डिक्लेयर्ड, इनकी डिक्लेरेशन होती है। अगर आपको सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आइडिया हो तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पहले हम फंक्शंस को डिक्लेयर करते थे, फिर डिफाइन करते थे, फिर कॉल करते थे। जावा के अंदर फंक्शन डिफाइन और कॉल करना ही होता है, डिफाइन और कॉल करना होता है। तो जावा में क्या कोई फंक्शन डिक्लेयर कर सकते हो किसी क्लास के अंदर, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, मान लीजिए आपने क्लास क्रिएट करा जिसका नाम रखा ए, तो ए क्लास के अंदर अगर वाइड शो नाम का या किसी भी नाम का फंक्शन ऐसे डिक्लेयर करो तो ये चलेगा नहीं चलेगा, लिखा जाएगा कि जो मेथड है डिक्लेरेशन इस तरह से अलाउड नहीं है, इसको आप एब्स्ट्रैक्ट बनाइए, डिक्लेरेशन इज नॉट अलाउड हियर। ठीक है ना, तो बस आपको यहां पे क्या लगा देना होगा एब्स्ट्रैक्ट। तो टॉपिक क्या हम पढ़ रहे हैं, एब्स्ट्रक्शन क्यों पढ़ रहे हैं, जिसमें हम एक फंक्शन को बना के रख दें और उस फंक्शन को हमने यहां पे बनाया जिसके बारे में हमारे पता तो हो बट ये फंक्शन होता है बट इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन होती है वो हमें नहीं पता हो। समझ आ रहा है कि ये फंक्शन कोई भी बंदा इस फंक्शन को अपने अपने हिसाब से ओवरराइड करके इसकी डेफिनेशन दे पाए, ये कंसेप्ट होता है बेसिकली एब्स्ट्रैक्शन का। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब ऐसे समझ सकते हैं आप कि फंक्शन का डिक्लेरेशन तो हमारे पास है लेकिन डेफिनेशन हमें नहीं पता है कि वो कहाँ है, हर बंदा अपने अपने हिसाब से दे रहा है। आप खुद भी अगर ऐसा चाहें कि आपने एक फंक्शन को एक बार डिक्लेयर करके रख दिया और जहां मर्जी वहां डिफाइन करो अपने हिसाब से, तो ऐसा यहां पे कर सकते हैं। तो आप ऐसा बोल सकते हैं एब्स्ट्रैक्शन इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ जनरलाइज्ड मेथड, जेनेरिक मेथड व्हिच इज नॉट स्पेसिफिक, अ मेथड व्हिच हैविंग ओनली डिक्लेरेशन इट्स इंप्लीमेंटेड एंड इज प्रोवाइडिंग बाय एंड यूजर अकॉर्डिंगली। बट यहां यूजर नहीं, यहां डेवलपर्स इंप्लीमेंटेशन देगा। तो एब्स्ट्रैक्शन इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ जनरलाइज्ड मेथड, एक इस टाइप का मेथड जो कि एब्स्ट्रैक्ट होता है ये जनरलाइज्ड होता है। जनरलाइज्ड क्यों है, क्योंकि इट इज नॉट स्पेसिफिक, इस फंक्शन की इंप्लीमेंटेशन हर बंदा अपने अपने हिसाब से कर सकता है, कोई भी बंदा अपने हिसाब से इस फंक्शन की इंप्लीमेंटेशन अपने हिसाब से प्रोवाइड। जावा ने क्या करा है, जावा ने बहुत सारे फंक्शंस बना के आपको दिए हैं, वो फंक्शन एब्स्ट्रैक्ट बना के दिए हुए हैं, उन फंक्शंस की डेफिनेशन वो आपसे चाहते हैं। तो बिल्कुल ऐसा कर सकते हो आप, जैसे आप सर्वलेट के अंदर सर्विस मेथड देख लो, आप ड्राइवर मैनेजर इंटरफेस का गेट कनेक्शन मेथड देख लो, ड्राइवर इंटरफेस का रजिस्टर मेथड देख लो, तो बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस होंगे जहां पे आपको एब्स्ट्रैक्ट मेथड मिलते हैं। और जब भी एब्स्ट्रैक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जब भी आपको कहीं एब्स्ट्रैक्ट मेथड मिले तो उस मेथड को या तो हमें ओवरराइड करना पड़ता है या तो
उस पर्टिकुलर क्लास जहां पे भी वो एग्जिस्ट कर रहा है उस पर्टिकुलर क्लास के लिए अपनी क्लास में जहां पे आप यूज कर रहे हो उस क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बनाना पड़ता है। उसका रूल तो मैं आपको यहां बताऊंगा, बट एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या है, प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ जनरलाइज्ड मेथड। आप एक काम करो, डेटा बनाओ, आप डेटा के आगे ऐसे लगा दो इंट x इज इक्वल टू 10 चलेगा, बट इसके आगे एक काम करो लिख दो एब्स्ट्रैक्ट नाम का कीवर्ड। जैसे लगाओगे कंपाइलर कंपाइल टाइम पे एरर दे देगा कि यू कैन नॉट पुट द एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड द डेटा। तो इसलिए मैंने आपको बताया एब्स्ट्रैक्शन नेवर अचीव ऑन द डेटा, इट ऑलवेज अचीव ऑन द फंक्शनलिटी। और फंक्शनलिटी में भी क्या एसेंशियल फंक्शनलिटी तो आपको दिखे बट इंटरनल डिटेल हमसे क्या हो जाए हिडन। जैसे एग्जांपल बताता हूं कि AWT के अंदर एक्शन इवेंट होता है उसके लिए एक्शन लिसनर होता है, एक्शन लिसनर के अंदर एक्शन परफॉर्म मेथड होता है एब्स्ट्रैक्ट। उस एक्शन परफॉर्म मेथड को हम अपने हिसाब से करते हैं ओवरराइड, उसमें लिखते हैं लॉजिक बटन पे क्लिक करने के बाद वो लॉजिक हर बंदा अपने अपने हिसाब से लिख पाए, इसलिए वो मेथड को एब्स्ट्रैक्ट बना के रख दिया गया है कि हर बंदा अपने अपने हिसाब से लॉजिक लिखे। सर्वलेट के केस में सर्विस मेथड एब्स्ट्रैक्ट है ताकि उसको कोई बंदा अपने हिसाब से ओवरराइड करे उस सर्विस में अपने हिसाब से लॉजिक लिखे, ठीक है। और वो मेथड्स कॉल पेरेंट क्लास करती है, पेरेंट के रेफरेंस पे चलता है बट एग्जीक्यूट चाइल्ड यानी कि आपका हो जाता है, जिससे रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म भी हो जाता है, ठीक है। तो ओवरऑल फंक्शनलिटी में बटन पे आपने क्लिक करा बट बटन ने उस पर्टिकुलर इवेंट के लिए इंटरनल क्या प्रोसेस करा, कैसे कैसे करा, उसका बैकग्राउंड इवेंट क्या था, हमें तो उसका आइडिया है ही नहीं, हम तो बस उसके फोरग्राउंड इवेंट से डील कर रहे हैं। तो इंटरनल फंक्शनलिटी किसी फंक्शन का हमें नहीं दिख रहा है तो दैट इज एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्शन के लिए एब्स्ट्रैक्ट मेथड हम पढ़ रहे थे, एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होता है, व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट मेथड, व्हेन यू यूज द एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड विद द मेथड, एंड इफ यू आर हैविंग एब्स्ट्रैक्ट मेथड, इफ यू आर हैविंग एब्स्ट्रैक्ट मेथड तो दिस मेथड कैनॉट बी डिफाइंड। अगर एब्स्ट्रैक्ट भी बना दिया ऐसे बॉडी भी दे दिया एरर आ जाएगा, कहेगा एब्स्ट्रैक्ट मेथड कैनॉट हैव अ बॉडी, एब्स्ट्रैक्ट मेथड की बॉडी नहीं होती है। फिर बॉडी नहीं होती, डेफिनेशन कहां होता है इसका, डेफिनेशन इसकी दूसरे क्लास में होती है जहां पे भी इसे यूज करेंगे, ठीक है ना, दूसरे जगह करेंगे, इसकी डेफिनेशन कोई और देगा, ओवरराइडिंग करेंगे इस मेथड को, ओवरराइड करके कहीं और ले जाएंगे और कोई भी बंदा इसको कहीं से भी ओवरराइड करके इसकी डेफिनेशन कैसे भी दे सकता है। तो एब्स्ट्रैक्शन मेथड में, एब्स्ट्रैक्ट मेथड में एब्स्ट्रैक्ट मेथड की कभी डेफिनेशन नहीं होती है, मेथड कैनॉट बी डिफाइंड, ये एरर आ जाएगा नॉट वैलिड। तो फिर क्या करें, यहां से क्या करें, इस एब्स्ट्रैक्ट मेथड को बस डिक्लेयर करके रख दीजिए, दैट्स इट, ठीक है, समझ आ रहा है। चलिए एब्स्ट्रैक्ट मेथड के बारे में हमें समझ में आ गया, एब्स्ट्रैक्ट मेथड की होती है केवल डेफिनेशन, बट यहाँ पे एक चीज मैं आपको जरूर बताऊंगा कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड जब भी आप बनाएं तो इट मस्ट बी इनसाइड द एब्स्ट्रैक्ट क्लास। नॉर्मल क्लास में एब्स्ट्रैक्ट मेथड रख ही नहीं सकते हो, एब्स्ट्रैक्ट मेथड मस्ट बी इनसाइड द एब्स्ट्रैक्ट क्लास, एब्स्ट्रैक्ट मेथड एब्स्ट्रैक्ट क्लास में ही होनी चाहिए। मतलब यहां पे देखिए, यहां पे ये एरर है, अगेन जैसे ये एरर है यहां पे भी एरर है, ये नहीं चलेगा, कहेगा क्लास भी एब्स्ट्रैक्ट बनाइए, यहां पे ऐसे ऐसे तभी वैलिड है, नॉट इज वैलिड, नो इश्यूज। एब्स्ट्रैक्ट क्लास, एब्स्ट्रैक्ट मेथड को एब्स्ट्रैक्ट क्लास में होना जरूरी है। अगर कोई एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाया गया है उस एब्स्ट्रैक्ट मेथड को बनाने का पर्पज क्या होता है, ताकि उसकी डेफिनेशन कोई और दे। अब अगर कोई और डेफिनेशन दे या ना दे, मान लो उसने नहीं दिया तो फिर क्या होगा, फिर दिक्कत हो जाएगा। तो कुछ ऐसा चीज चाहिए जिससे एंड यूजर को इंडिकेशन मिले कि नहीं तुम्हें डेफिनेशन तो देनी है, इसलिए क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बना देते हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ठीक है। चलिए एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में आगे जानेंगे, फिलहाल एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्लियर हो गया। पहला पॉइंट एब्स्ट्रैक्ट मेथड से रिलेटेड क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड की केवल डिक्लेरेशन होती है, डेफिनेशन नहीं होती है जब वो बनते हैं। ऐसा नहीं है कि डेफिनेशन ही नहीं होती है, डेफिनेशन होगा किसी दूसरे क्लास में इसको यूज करेंगे, ओवरराइड करेंगे, वहां डेफिनेशन होगा, समझ आ रहा होगा आपको। दूसरा चीज, एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होनी चाहिए, हमेशा एब्स्ट्रैक्ट मेथड, एब्स्ट्रैक्ट मेथड कहाँ होना चाहिए, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर। अगर आपके पास एब्स्ट्रैक्ट क्लास है तभी एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। एब्स्ट्रैक्ट मेथड कैनॉट बी स्टैटिक, कैनॉट बी प्राइवेट एंड कैनॉट बी फाइनल। एब्स्ट्रैक्ट मेथड cannot be static, cannot be private and cannot be final. मतलब आप abstract final एक साथ लगाओगे, abstract और final यहां लगा दीजिए, you will get the compile time error. abstract final not allowed, illegal modifier not allowed, abstract static not allowed, abstract private not allowed, private भी allowed नहीं है। So यहां पे कहने का सेंस ये है, abstract method को private क्यों बना रहे हो भाई, जरूरत क्या है,
क्यों नहीं अलाउड है, फाइनल क्यों नहीं अलाउड है या प्राइवेट क्यों नहीं अलाउड है, ये हम जानेंगे। अभी तो हमें दो रूल समझ में आ गया, एब्स्ट्रैक्ट मेथड के आगे एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड होना चाहिए, एब्स्ट्रैक्ट मेथड के आगे एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड होना चाहिए, इसकी डिक्लेरेशन होना चाहिए लाइक दिस, ऐसे जैसे यहां पे डिक्लेयर है, डिफाइंड नहीं होगा, उसी क्लास में नहीं होगा, इसके आगे स्टैटिक फाइनल या प्राइवेट नहीं होना चाहिए, मॉडिफायर एक्सपेक्टेड है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास में होना चाहिए, इट मस्ट बी इनसाइड द एब्स्ट्रैक्ट क्लास, राइट। तो इस तरह से एब्स्ट्रैक्ट मेथड के बारे में हमें समझ में आ गया। देखिए एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड जब मेथड के आगे लगेगा तो उसका नेचर कुछ और होगा, क्लास के आगे लगेगा तो नेचर कुछ और होगा। तो ये क्या कर रहे हो आप, एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगा के मेथड के आगे अचीव कर रहे हो एब्स्ट्रैक्शन, और उसके लिए क्लास एब्स्ट्रैक्ट होनी चाहिए। तो व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट क्लास, व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट क्लास, आइए जान लेते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है, व्हेन वी पुट द एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड विद अ क्लास, व्हेन वी पुट द एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड विद अ क्लास, दिस इज अ नॉर्मल क्लास, दिस इज क्लास ए, इट इज अ नॉर्मल क्लास, इट इज अ नॉर्मल क्लास, नॉर्मल क्लास, एंड व्हेन यू पुट द एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड विद इट, दिस इज एब्स्ट्रैक्ट क्लास ए, नाउ इट बिकम अ एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है, अगर देखिए कोई भी क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या कहलाए, कब कहलाएगी, ठीक है ना। सी प्लस प्लस में तो अलग कंसेप्ट होता था, उसमें पता नहीं क्या प्योर फंक्शन वर्चुअल फंक्शन रखो तब वो एब्स्ट्रैक्ट माना जाता था या वट एवर। यहां पर देखिए मैं आपको फिर से बता रहा हूं, ये मुझे भी याद नहीं है, भूल जाते हैं हम कि क्या एब्स्ट्रैक्ट क्लास कब होगी कब नहीं होगी, है ना। तो आपको कैसे पता चलेगा क्लास एब्स्ट्रैक्ट है या नहीं, आपको कैसे पता चलेगा मेथड एब्स्ट्रैक्ट है या नहीं, तो बस एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड चेक कर लेना ना क्लास के आगे लगा है नहीं लगा है। तो दिस इज द सिंटैक्स, दिस इज द ग्रामर, कि जावा ग्रामेटिकली स्ट्रांग है, जो चीज है तो उसके आगे लगा हुआ है कीवर्ड, समझ जाओ एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का पहला फीचर क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास मे और मे नॉट हैव, एब्स्ट्रैक्ट क्लास मे और मे नॉट हैव एब्स्ट्रैक्ट मेथड। कहने का मतलब क्या है कि जैसे सपोज करिए कि यही क्लास है जो कि आपने मान लिया एब्स्ट्रैक्ट, अब बताइए एब्स्ट्रैक्ट क्लास कब माना जाता है। कई लोगों तो और कंफ्यूजन होता है, कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास तब माना जाएगा जब इसमें एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा, एब्स्ट्रैक्ट क्लास तब माना जाएगा जब एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा, तो ये बिल्कुल सच्चाई नहीं है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास में कोई मेथड नहीं हो फिर भी वैलिड है, कोई इश्यूज नहीं है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर ये देखिए ये हो गया नॉर्मल मेथड, कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल मेथड भी हो सकता है एंड एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी हो सकता है, एब्स्ट्रैक्ट वाइड, और यहां पे मैंने बना दिया सपोज करिए यहां पे क्रिएट कर दिया डिस्प्ले नाम का मेथड डिस्प्ले, तो ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड बन गया। बताइए ऐसे सही है, वैलिड है, इट इज वैलिड, नो इट इज नॉट वैलिड, बिकॉज एब्स्ट्रैक्ट मेथड हैव नॉट डिफाइंड, इट इज डिक्लेयर्ड ओनली, सो इट इज एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट मेथड मे और मे नॉट हैव एब्स्ट्रैक्ट मेथड, सिंपल है, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। कोई जरूरी नहीं है कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड में एब्स्ट्रैक्ट क्लास में एब्स्ट्रैक्ट मेथड होते ही हैं, नहीं आप अपने हिसाब से रखिए, राइट। आगे चलें, चलिए अब देखिए कंसेप्ट क्या है एब्स्ट्रैक्ट क्लास में और क्या क्या चीजें होती हैं। कहा जाता है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन नॉट बी इंस्टेंशिएटेड, एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन नॉट बी इंस्टेंशिएटेड, यू कैन नॉट क्रिएट द इंस्टेंस ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास, मतलब एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता, अगर बना दिया फिर कंपाइल टाइम एरर, क्लास इज एब्स्ट्रैक्ट कैन नॉट बी इंस्टेंशिएटेड, क्लास इज एब्स्ट्रैक्ट कैन नॉट बी इंस्टेंशिएटेड, ऐसे कुछ एरर आ जाएगा। क्लास तो आपका एब्स्ट्रैक्ट है और इसका ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हो। देखिए एक कंसेप्ट मैं आपको समझाता हूं, मैं एब्स्ट्रैक्शन को कैसे याद करता हूं, मैं कुछ ऐसे याद करता हूं, वो ट्रिक मैं आपको समझाता हूं एब्स्ट्रैक्ट क्लास और नॉर्मल क्लास में डिफरेंस। एब्स्ट्रैक्ट क्लास से नॉर्मल क्लास में एक चीज घट गया और एक चीज बढ़ गया, समझो आप, फिर से मैं बता रहा हूं भाई, एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है एक नॉर्मल क्लास होती है,
सो एब्स्ट्रैक्ट क्लास से एब्स्ट्रैक्ट नॉर्मल क्लास से एब्स्ट्रैक्ट क्लास में एक चीज घट गया, मतलब एक चीज प्लस हो गया, एक चीज माइनस हो गया। तो माइनस क्या हुआ, प्लस क्या हुआ, बस वो समझ लो, कंसेप्ट क्लियर है। तो ये प्लस ये हुआ कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास में एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो सकता है, नॉर्मल क्लास में तो नहीं हो सकता। तो नॉर्मल क्लास से एब्स्ट्रैक्ट क्लास में एक चीज प्लस है, दैट इज व्हाट एब्स्ट्रैक्ट मेथड। और दूसरा चीज माइनस क्या है कि नॉर्मल क्लास कैन बी इंस्टेंशिएटेड बट एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन नॉट बी इंस्टेंशिएटेड। नॉर्मल क्लास कैन नॉट बी, सॉरी, नॉर्मल क्लास कैन बी इंस्टेंशिएटेड, उनके ऑब्जेक्ट्स बन सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के कभी ऑब्जेक्ट्स नहीं बन सकते, बस दैट्स इट। ये चीज आपको याद रखनी। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद ये रखनी है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास को, एब्स्ट्रैक्ट क्लास को जब कोई नॉर्मल क्लास एक्सटेंड करता है, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, एब्स्ट्रैक्ट क्लास को जब कोई नॉर्मल क्लास एक्सटेंड करता है तो उसको, जैसे फॉर एग्जांपल, यहां पे एग्जांपल समझिए, जैसे ये क्लास है बी, ये बी क्लास मान लो एक्सटेंड कर लेता है, एक्सटेंड कर लेता है ए को। तो जब कोई नॉर्मल क्लास किसी एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एक्सटेंड करता है तो इसके अंदर आने वाले जितने एब्स्ट्रैक्ट मेथड होते हैं, जैसे एक ही है तो एक, दो है तो दो, चार है तो चार, चारों मेथड को ओवरराइड करना पड़ेगा, दैट इज मैंडेटरी, दैट इज मैंडेटरी। ठीक है, जैसे मैं एक और एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना देता हूं, एब्स्ट्रैक्ट वाइड, यहां पे मैं लिख देता हूं हाय नाम से मेथड क्रिएट कर देता हूं, हाय। तो हुआ क्या, इसके अंदर दो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। अब नॉर्मल क्लास जब इस क्लास को एक्सटेंड कर रहा है तो इसके दोनों एब्स्ट्रैक्ट मेथड को या तो यहां डिफाइन करें, केस नंबर फर्स्ट, दिस इज केस फर्स्ट, केस फर्स्ट व्हाट वी हैव टू डिफाइन द मेथड, कैसे, वाइड डिस्प्ले ओपनिंग क्लोजिंग, लॉजिक लिखिए, फिर वाइड हाय ओपनिंग क्लोजिंग, ठीक है, ठीक है। तो जब कोई नॉर्मल क्लास को किसी एब्स्ट्रैक्ट क्लास में, सॉरी, किसी नॉर्मल क्लास ने किसी एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एक्सटेंड किया तो उसके एब्स्ट्रैक्ट मेथड को या तो ओवरराइड करिए, दिस इज केस फर्स्ट, एंड व्हाट इज द केस सेकंड, नहीं करना है तो, अगर आपको ओवरराइड नहीं करना है फिर आप एक काम करिए, आपने कहा सर एक को ओवरराइड करें तो हमारा काम चलेगा, नहीं जी, आप बस अपने क्लास के आगे एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगा दीजिए, यहां पर क्या लगा दीजिए, एब्स्ट्रैक्ट नाम का कीवर्ड। अगर अपने क्लास के आगे आपने एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगा दिया तो आपकी क्लास को ओवरराइड करने की जरूरत नहीं। तो बताओ एब्स्ट्रैक्ट क्लास एब्स्ट्रैक्ट यहां पे लगा दोगे फिर इसका ऑब्जेक्ट नहीं बन पाएगा। तो एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड से इसे तब डिक्लेयर करके चलो जब यहां पे भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड वगैरह बनाना है, वैसे तो ओवरराइड कर देना चाहिए, ठीक है। तो इस रूल को लिख लीजिए, इफ अ नॉर्मल क्लास, इफ अ नॉर्मल क्लास एक्सटेंड्स द एब्स्ट्रैक्ट क्लास, इफ अ नॉर्मल क्लास एक्सटेंड्स द एब्स्ट्रैक्ट क्लास, if a normal class extends the abstract class, so normal class has to override, so normal class has to override all the method of abstract class, all the method of abstract class, all the method of abstract class, so normal class has to override all the method of abstract class, all the abstract method of abstract class, इसे करेक्ट कर लीजिएगा, all the abstract method of abstract class, otherwise child class has to be abstract, otherwise child class has to be abstract, child class has to be abstract। abstraction से रिलेटेड ये सब पॉइंट्स थे कि एब्स्ट्रैक्ट, अगर आपने कीवर्ड से कोई एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई है तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास को नॉर्मल क्लास में जब एक्सटेंड करा जाएगा तो उसके अंदर आने वाले सारे एब्स्ट्रैक्ट मेथड को ओवरराइड करके डेफिनेशन दी जाएगी और उसकी डेफिनेशन को देखे फिर उसकी इंप्लीमेंटेशन आप करा सकते हो, मेथड कॉल कर सकते हो और एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। अगर एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे कंपाइल टाइम पे एरर आ जाएगा कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन नॉट बी इंस्टेंशिएटेड, बट क्या एब्स्ट्रैक्ट क्लास के रेफरेंस बना सकते हैं हम, रेफरेंस वेरिएबल, रेफरेंसेस क्रिएट कर सकते हैं।
एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर रेफरेंस वेरिएबल बना लो, क्या दिक्कत है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का देखिए ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो यहाँ एरर आ जाएगा। जैसे ये बी क्लास देख लो, बी तो एब्स्ट्रैक्ट है ना, बी तो एब्स्ट्रैक्ट है, तो अगर आप लिखोगे बी इज इक्वल्स टू न्यू बी विल गेट द कंपाइल टाइम एरर। व्हाट इज द एरर? एरर इज क्लास इज एब्स्ट्रैक्ट कैन नॉट बी इंस्टेंशिएटेड। अच्छा चलो मान लो ये एब्स्ट्रैक्ट नहीं है और यहाँ पे मेथड ओवरराइड है, यहाँ मेथड ओवरराइड है, मान लो यहाँ हमने ओवरराइड करके रखा हुआ है, मैं ऐसे डॉट डॉट कर देता हूँ, ओवरराइड है मान लो। फिर हमने ए क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश करी, पॉसिबल है? बट अगर आप ए क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप चाहे तो यहाँ पे ए क्लास का रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं, और ए क्लास के रेफरेंस में आप क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट ए क्लास का ना डाल के बी क्लास का डाल सकते हैं। ऑब्जेक्ट का टाइप डी हो गया और रेफरेंस वेरिएबल का टाइप ए हो गया, दैट इज व्हाट आप कास्टिंग कास्टिंग कर सकते। चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को उसके एब्स्ट्रैक्ट क्लास के रेफरेंस में होल्ड कराया जा सकता है। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूज ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, ऐसा करना भी चाहिए। आप जरा एक चीज सोचो, वैसे मुझे ऐसा मतलब समझ नहीं आ रहा है कि भाई ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्यों बना रहे हैं आखिर फालतू का। मतलब सोचो कि एक क्लास बना रहे हैं, उसमें एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाएंगे, वहां डिक्लेयर करेंगे, दूसरी क्लास में डिफाइन करेंगे और क्लास बना के डिक्लेयर करा पेरेंट में, डिफाइन करा चाइल्ड में, जरूरत क्या है? चाइल्ड में डिफाइन करके रखो, पेरेंट में डिक्लेयर करने से क्या फायदा, वहां डेफिनेशन भी नहीं है, उसका ऑब्जेक्ट भी नहीं बन सकता। तो भाई जब एब्स्ट्रैक्ट क्लास के ना ऑब्जेक्ट बन सकते हैं ना वहां डेफिनेशन होती है, मतलब इंप्लीमेंटेशन नहीं होती, एक एब्स्ट्रैक्शन होता है सब कुछ, फिर बनाते क्यों है, जरूरत ही क्या है? प्रोजेक्ट लेवल पे इसकी बहुत ज्यादा जरूरत होती है। एग्जाम्पल बताता हूं, जैसे मान लो कि मैं प्रोजेक्ट डेवलप कर रहा था और मेरे पास प्रोजेक्ट डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट आई कि मुझे वेब सर्विस कॉल करनी है, मुझे डेटाबेस कनेक्शन कनेक्टिविटी करनी है, मुझे नेटवर्क कनेक्शन चेक करना है, मुझे लॉगिन वैलिडेशन करना है, तो मैं एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना के वहां मेथड डिक्लेयर करके रख सकता हूँ, ठीक है। जहां जहां मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी वहां वहां इसकी इम्प्लीमेंटेशन कर दूंगा। प्लानिंग समझते हो ना प्रोजेक्ट लेवल पे, तो जैसे प्रोजेक्ट आता है कंपनीज लेवल पे और उसकी थिंकिंग करी जाती है कि यार मुझे बनाना क्या है, वैसे ही आप जैसे थिंकिंग करते हो और कोडिंग में उसे इम्प्लीमेंट कराना चाहते हो, एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना के छोड़ देते हैं। एब्स्ट्रैक्ट मेथड इसलिए बना के छोड़ देते हैं ताकि उस मेथड की फिर डेफिनेशन हम जितनी जरूरत वाली क्लासेस में उसकी करनी है उसको कर देंगे, सिंपल सा मतलब है। चलिए मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे आपको समझाता हूँ एब्स्ट्रैक्शन में, और फिर इसमें इफ एंड बट बहुत सारे हैं वो हम समझते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल बना लेते हैं, एक प्रोग्राम बना लेते हैं और प्रोग्राम के माध्यम से इसे पूरा समझेंगे। यहाँ पे हम बना लेते हैं एक क्लास जिसका नाम हमने ले लिया बेस, ठीक है, बेस नाम की क्लास ले लिया और यहाँ पे लिख दिया हमने बेस नाम की क्लास को हमने बना दिया एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट नाम की हमने यहाँ पे क्लास बना दी और इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर एक डेटा ले लेते हैं int x equals to 10। बताइए क्या आप किसी डेटा के आगे यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगा सकते हैं? तो एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड डेटा के आगे लगाएंगे एरर आ जाएगा, एरर, तो आप इसे कमेंट करके रखना एरर आ जाएगा, नहीं तो चलिए ठीक है int x equals to 10 नॉर्मल ले लेता हूं मैं। बाकी इसके अंदर मैथड्स कोई भी ले लो आप, जैसे मैंने एक मेथड ले लिया वाइड शो नाम का और यहां पे लिख दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, यहां पे लिख दिया सो ऑफ बेस नाम का एक मेथड क्रिएट कर लिया। फिर उसके बाद यहां पे एक वाइड डिस्प्ले करके एक मेथड बना लेते हैं और इसे बना लेते हैं एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है, और उसके बाद फिर से एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना लेते हैं, ये हमने बनाया एब्स्ट्रैक्ट वाइड हाई करके मेथड क्रिएट कर लेते हैं, तो दो एब्स्ट्रैक्ट मेथड बन गया। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंटरव्यू पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ इंटरव्यू, क्या एब्स्ट्रैक्ट क्लास में कंसिडर हो सकता है?
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ इंटरव्यू. कैन वी हैव अ कंस्ट्रक्टर इनसाइड द एब्स्ट्रैक्ट क्लास? कैन वी हैव अ कंस्ट्रक्टर इनसाइड द एब्स्ट्रैक्ट क्लास? बहुत से लोग कहते हैं नो, और आप भी नो ही बोल रहे हो. एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर इसलिए नहीं हो सकता, और ये सोच के आप बोल रहे हो, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का तो ऑब्जेक्ट बनता नहीं है, तो इसलिए उसके कंस्ट्रक्टर को बनाने का क्या पर्पज है? ये भी तो क्वेश्चन है. कई लोग कहते हैं नो, किसी लोग कहते हैं यस. अगर यस है तो क्यों, और नो है तो क्यों? ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, जावा की कोई भी क्लास हो, हर क्लास में तो कंस्ट्रक्टर तो आता है, कंपाइलर डालता है. आप बनाओ या ना बनाओ यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे आप बनाओ नहीं बनाओ, कंपाइलर तो डालेगा. तो कंपाइलर कंपाइल टाइम पे कंस्ट्रक्टर इसलिए डालता है ताकि उसके डेटा को इनिशियलाइज करा जाए. और जावा में रूल होता है किसी चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर के चलने के पहले पेरेंट का कंस्ट्रक्टर चलता है. तो मान लो इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास को चाइल्ड में इनहेरिट करोगे और चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाओगे, तो पेरेंट का तो कंस्ट्रक्टर चलेगा चलेगा? आपने कहा नहीं चलेगा. अगर होगा नहीं, अब सोचो अगर आप चलेगा ही नहीं तो रूल ब्रेक नहीं हो जाएगा. तो रूल को संभाल के रखने के लिए ये जो डेटा है ये कैसे इनिशियलाइज होगा, ये डेटा कैसे इनिशियलाइज होगा, तो चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर चलेगा तो अपना. तो इसीलिए एब्स्ट्रैक्ट क्लास में कंस्ट्रक्टर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, और होता ही है, आप बनाओ ना बनाओ. लेकिन अगर आप अपने किसी कंस्ट्रक्टर के आगे, जैसे ये मैंने बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर दिया, और कंस्ट्रक्टर के आगे आपने क्या लगा दिया, एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड, वी विल गेट द कंपाइल टाइम एरर बिकॉज़ वी कैन नॉट पुट द एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड विद द कंस्ट्रक्टर. ठीक है, रहने दीजिए आपको एब्स्ट्रैक्ट. ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास रेडी हो गया. एब्स्ट्रैक्ट क्लास में कंस्ट्रक्टर हमने बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है, बनाओ ना बनाओ, कंपाइलर तो बना के देगा. आप मेरा कहना मत मानो, आप डीकंपाइल करके देख लो कोड को, कोड को डीकंपाइल करके देख लो, आपको खुद ही पता चल जाएगा एब्स्ट्रैक्ट क्लास में कंसीडर होता है नहीं होता. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंटरव्यू का, एब्स्ट्रैक्ट क्लास में कंसीडर होता है नहीं होता है? बिल्कुल होता है. होता है तो क्यों होता है सर? क्योंकि चाइल्ड क्लास का जब ऑब्जेक्ट बनता है तो पेरेंट का कंसीडर चलता है, और पेरेंट के कंस्ट्रक्टर, अगर पेरेंट में कंस्ट्रक्टर ही नहीं होगा तो चलेगा कैसे? मान लो एब्स्ट्रैक्ट क्लास को चाइल्ड क्लास इनहेरिट कर रही है, तो वहां चलना जरूरी है ना, तो रूल को बनाए रखने के लिए और इसके डेटा को इनिशियलाइज करने के लिए. अब आ जाते हैं हम चाइल्ड क्लास में. यहाँ पे एक क्लास क्रिएट कर देते हैं जिसका नाम रख देते हैं चाइल्ड. ये चाइल्ड नाम की क्लास बना दी, और चाइल्ड में एक्सटेंड किसको कर दिया हमने, एक्सटेंड कर दिया हमने बेस नाम की क्लास को. ये बेस क्लास हमारी एक्सटेंड हो गई, एक्सटेंड हो गया बेस क्लास. अब बताइए क्या ये प्रोग्राम चलेगा? ये प्रोग्राम चलेगा, एरर आएगा कि या तो इस क्लास में, ये यानी कि चाइल्ड क्लास में एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो है यानी कि डिस्प्ले एंड हाई, उनको ओवरराइड करो, या तो उनको ओवरराइड करो, या आप क्या करो, क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बना दो. तो एब्स्ट्रैक्ट नहीं बनाऊंगा मैं फिर ओवरराइड कर देता हूं. तो यहां पे मैंने क्या करा, लिखा पब्लिक वॉइड शो ओपनिंग क्लोजिंग. कोई जरूरी है पब्लिक वॉइड शो? यहां पब्लिक है तो ठीक है, डिफॉल्ट तो पब्लिक अलाउड है, लोअर टू हायर तो ठीक है, लोअर टू हायर हो सकता है. तो अगर आप डायरेक्ट वाइड शो लिख दोगे तो सिस्टम डो आउट डॉट प्रिंटलाइन में शो टू शो ऑफ चाइल्ड लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, शो ऑफ चाइल्ड. और फिर उसके बाद हाई मेथड, हाई मेथड को ओवरराइड करा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटल लिख दिया हाई ऑफ चाइल्ड. फिर यहां से बना दिया PSVM मेन मेथड, PSVM क्रिएट कर दिया. इस मेन मेथड के अंदर अब हम क्या करेंगे, देखिए हमने ऑब्जेक्ट बनाया चाइल्ड का, चाइल्ड सी इज इक्वल टू न्यू चाइल्ड, और यहां लिख दिया सी डॉट शो सी डॉट हाय. अच्छा बताओ सी डॉट डिस्प्ले भी कॉल कर सकते हैं? बिल्कुल कॉल कर सकते हैं, पेरेंट का मेथड चाइल्ड में नहीं कॉल हो सकता है. अच्छा वेरी सॉरी, यहाँ पे ये शो मेथड तो डेफिनेशन है, यहाँ पे हाई लिख देते हैं हम, लाइक डिस्प्ले लिख देते हैं, तो डिस्प्ले मेथड लिख देते हैं, और शो भी चल सकता है, हाई भी चल सकता है, सारे मेथड चल सकते हैं यहाँ पे अब. और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटल में आप सी डॉट उसका डेटा भी कॉल कर सकते हो. बस हो गया एब्स्ट्रैक्शन. अब जरा आप चीज सोचो, पेरेंट के रेफरेंस से चाइल्ड के सारे मेथड चल ही रहे हैं, पेरेंट में तो कुछ है ही नहीं, पेरेंट में मेथड की डिक्लेरेशन है, डेफिनेशन तो यहीं पे है. तो जब डेफिनेशन यही है और चाइल्ड का ऑब्जेक्ट चाइल्ड का ही रेफरेंस, तो मेथड कॉल होगा चाइल्ड का, एग्जीक्यूट होगा चाइल्ड का, तो कोई रन टाइम पॉलीमॉर्फिज होगा, तो फिर कोई एब्स्ट्रैक्शन का पर्पस है? एब्स्ट्रैक्शन क्यों करी गई है? ये काम कभी मत करना आप, ये जो मैंने किया है यहाँ टाइट कपलिंग हो गई, कभी नहीं करना चाहिए. यहाँ लूजली कपल्ड बनाओ, ऑब्जेक्ट बनाओ चाइल्ड का और रेफरेंस रखो बेस का, यहाँ बेस टाइप का करो, तो अब मेथड कॉल किसका होगा? पेरेंट का. एग्जीक्यूट किसका होगा? चाइल्ड का. हो गया रन टाइम पॉलीमॉर्फिज, हो गया रन टाइम पॉलीमॉर्फिज.
और ये रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म जो कंसेप्ट है उसी कंसेप्ट को अचीव करने के लिए आप बोल सकते हो एब्स्ट्रैक्शन बनाया गया। मतलब जावा के अंदर बहुत सारे ऐसे सिनेरियोस हैं, बहुत सारे सिचुएशंस हैं जहां पे मेथड कॉल पेरेंट का होता है, एग्जीक्यूट चाइल्ड का हो जाता है, और बिल्कुल एब्स्ट्रैक्शन से ये सारी चीज। देखिए यहां पे कंफ्यूजन आता है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके माइंड में आता है कि सर देखिए यहां पे आपने मेथड को डिक्लेयर किया, एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाया, डिफाइन यहां किया, डिफाइन यहां किया, ऑब्जेक्ट बनाया चाइल्ड का, रेफरेंस रखा चाइल्ड का, तब तो उस केस में चाइल्ड का ही एग्जीक्यूट और चाइल्ड का ही कॉल होगा। लेकिन अगर आपने ऑब्जेक्ट बनाया चाइल्ड का, रेफरेंस रख दिया पेरेंट का, तो मेथड कॉल किसका होगा? यहां पे मेथड कॉल किसका होगा? जिसका रेफरेंस है पेरेंट का, बट चूंकि ओवरराइड हुई है इसलिए ओवरराइडेड मेथड को प्रेफरेंस मिल जाएगा, चाइल्ड का एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों ये कंसेप्ट हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों हम एब्स्ट्रैक्शन पढ़ रहे हैं, क्यों मेथड ओवरराइडिंग कर रहे हैं, और यहां पे हम क्यों चाहते हैं मेथड पेरेंट का कॉल और चाइल्ड का एग्जीक्यूट हो? अगर आपको ये चीज नहीं क्लियर हो पा रही है तो ये समझ लो कि पहली चीज तो ये कि ये रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव करने के लिए करा जा रहा है। स्टैटिकली रेफरेंस के थ्रू मेथड्स तो पेरेंट का कॉल हो रहा है, बट डायनेमिकली जिसका ऑब्जेक्ट इसके अंदर आएगा उसी का मेथड यहां पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसको आप बिल्कुल एक उस एग्जांपल से समझ सकते हो। तो हमने अपने पिछले सेशन में डायनेमिक लोडिंग का कंसेप्ट सीखा था, हमने डायनेमिकली क्लास को लोड करके डायनेमिक ऑब्जेक्ट बनाना सीखा था, और मैंने आपको ये बताया भी था कि ये जो डायनेमिक लोडिंग होती है और ये डायनेमिक ऑब्जेक्ट क्रिएशन का कंसेप्ट होता है, ये कंसेप्ट इंटरनल टेक्नोलॉजीज में बहुत यूज होती है, सर्वलेट में यूज होती है, जेएसपी में यूज होता है, फ्रेमवर्क बनाने में यूज होते हैं, क्लास डॉट फॉर नेम और न्यूस्टेंस यहां पे उसका यूज है। देखिए एक्चुअली होता क्या है, मैं आपको समझाता हूं, एक सिनेरियो बताता हूं। जैसे आगे चल के आप सर्वलेट पढ़ोगे, आगे चल के आप इवेंट हैंडलिंग करोगे, सर्वलेट के लिए सर्वलेट इंटरफेस होता है, इवेंट हैंडलिंग में एक्शन लिसनर होता है, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जहां पे इंटरफेस होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास होते हैं, उन एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के अंदर या इंटरफेसेस के अंदर मेथड्स की डिक्लेरेशन होती है, बस दैट्स इट। और उस मेथड जैसे इनिट, सर्विस, डिस्ट्रॉय, जो भी मेथड्स है, उन मेथड्स की डिक्लेरेशन तो सन माइक्रो सिस्टम ने करके रख दिया, बट डेफिनेशन किससे वो दिलवाते हैं? मुझसे। कहते हैं अपनी क्लास बनाओ, उसमें ओवरराइड करो, हम लोग ओवरराइड कर देते हैं, लॉजिक लिख देते हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि ये कंसेप्ट जिसने बनाया वही तो लॉजिक नहीं लिखेगा ना, क्योंकि बटन के क्लिक पे या सर्वलेट के सर्विस में हर बंदा चाहेगा अपने हिसाब से इवेंट हो, कि जब मैं क्लिक करूं तो कनेक्टिविटी हो जाए, कोई चाहता है मैं क्लिक करूं तो एक पॉपअप विंडो आ जाए, कोई चाहता है क्लिक करूं तो एक मैसेज आ जाए, कोई चाहता है मैं क्लिक करूं तो मेल चला जाए, तो लॉजिक तो चेंज हो रहे हैं। तो लॉजिक जब किसी भी एक्शन का आप चेंज कराना चाहते हो तो कोई बंदा जो टेक्नोलॉजी बनाता है वो फिक्स करके तो दे नहीं सकता। अगर उस बंदे ने उस चीज को फिक्स करके आपको दे दिया तब तो सारी चीजें फिक्स हो गई। जैसे मैंने सपोज करो इवेंट का कंसेप्ट बनाया और मैंने बटन के क्लिक के इवेंट फिक्स कर दिया, और मैं चाहता हूं कि वो इवेंट सब लोग यूज करें, लेकिन कोई अपना उस इवेंट को कस्टमाइज करना चाहता है, यानी कि सर्वलेट के सर्विस में डेटाबेस कनेक्टिविटी या वेब पेज को बनाने का प्री डिफाइंड लॉजिक होता, वो लॉजिक हर बंदा अपने अपने हिसाब से नहीं लिख पाता, फिर तो दिक्कत है। अच्छा सपोज करो उन्होंने लॉजिक कुछ लिख के देते भी तो फिर क्या देते, जरूरत क्या है? कुछ लॉजिक तो हम चाहते नहीं, लॉजिक एंड यूजर अपने हिसाब से चाहेगा हमेशा, और जब भी एंड यूजर लॉजिक अपने हिसाब से चाहेगा, कोई डेवलपर चाहेगा, कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हो आप, कोई आईडी बना रहे हो, कोई फ्रेमवर्क डेवलप कर रहे हो, तो वहां इंटरफेस या एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस बना के उनके अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड को डिक्लेयर करके बस आप रख देते हो, और फिर आपको बताने की जरूरत नहीं, हर डेवलपर को पता है कि जब उस इंटरफेस या एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एक्सटेंड करेगा वो, तो वहां मेथड ओवरराइड करेगा और लॉजिक लिख देगा अपने हिसाब से, जो उसे कराना है कर लो, लिख लिया लॉजिक। अच्छा अब फिर आपने कहा कि फिर ऐसा क्यों, जरूरत क्या है? जरूरत देखो, जरूरत मैं आपको बताता हूं होगा क्या। जैसे सपोज करो मैंने अपनी एक क्लास बनाई, उसमें मैंने सर्वलेट इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर दिया, एक्शन लिसनर को इंप्लीमेंट कर दिया, मेथड ओवरराइड करके लॉजिक लिख दिया। अब लॉजिक तो हमारा है, क्लास हमारा है, अब हमारा लॉजिक लैंग्वेज कैसे कॉल करेगा? अब एक्चुअली मैं आपको इंटरनल प्रोसेस बताता हूं,
आगे चल के आप पढ़ोगे भी, ये चीजें इसलिए क्लियर नहीं हो पाती है ना, ये जब आप आगे पढ़ोगे तो आपको क्लियर होगा। सर्वेट के सर्विस मेथड जो होती है या एक्शन इवेंट का एक्शन लिसनर मेथड हम नहीं कॉल करते हैं, वो कॉल करता है टेक्नोलॉजी, वो सर्वर कॉल करता है। अब सर्वर हमारा मेथड कैसे चलाएगा, हमारा मेथड तो हमारी क्लास में है। तो जब टेक्नोलॉजी बनती है तो उसके अंदर इंटरनल कुछ बाइंडिंग होती है पहले से। सर्वलेट की प्रोग्राम को चलाने का इंटरनल प्रोसेस क्या लिखा गया है कि आप एक काम करो, अपनी क्लास का नाम एग्जाम्पल फॉर्म में मुझे दे दो, या जब आप बटन पे इवेंट करो तो लिसनर के थ्रू आप अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट मुझे दे दो, उस ऑब्जेक्ट को मैं यूज करूंगा, उस क्लास को मैं देखूंगा, रन टाइम पे न्यू स्टैंड से ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, यहां पे और यहां पे जो रेफरेंस वाला कोड है वो पहले से ही पैरेंट टाइप में उन्होंने बना के रखा हुआ है। मतलब मेथड इंटरफेस बनाया उसने, एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाया उसने, एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाया उसने, और इवन उन इंटरफेस के थ्रू, उस रेफरेंस के थ्रू, इंटरफेस के रेफरेंस से उसने मेथड को भी अपना वहीं पे उसने कॉल करके रखा भी हुआ है। यानी टेक्नोलॉजी ने मेथड बनाया, टेक्नोलॉजी ने ही इंटरफेस बनाया, टेक्नोलॉजी ने एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई, और टेक्नोलॉजी ही अपने अपने पेरेंट के रेफरेंस से, जैसे यहां पे हमने पेरेंट टाइप बताया है तो यहां सर्वलेट इंटरफेस का रेफरेंस होता होगा, उससे उसने अपने मेथड को कॉल करने का कोड लिख रखा है इंटरनली। हम कभी भी सर्वलेट के सर्विस मेथड को खुद नहीं चलाते हैं, इसको बोलते हैं मैनेज ऑब्जेक्ट, इसका मैनेजमेंट पहले से किया गया है। अब होता क्या है कि उस पर्टिकुलर मैनेज ऑब्जेक्ट के अंदर यहां ऑब्जेक्ट किसका आता है, हमारा, आपका, किसी और का, जिसका भी ऑब्जेक्ट आएगा उसमें तो मेथड ओवरराइड होगी ना। तो कॉलिंग होती है हमेशा पेरेंट की, उन्होंने पेरेंट को कॉल करने का इंटरनल कोड लिख रखा है, बट एग्जीक्यूट हमारा हो जाता है। अगर आपको ये चीज नहीं समझ में आ रही है तो ये जो पर्टिकुलर सेशन है जो रिकॉर्ड हो रहा है, इसको आप सर्वलेट को पढ़ने के बाद या जीएसपी को पढ़ने के बाद या इवेंट को पढ़ने के बाद दोबारा सुनिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि ये चीज क्या है, ये कंसेप्ट क्या है। कंसेप्ट कुछ ऐसा है कि भाई सर्वलेट के सर्विस को, एक्शन इवेंट के एक्शन लिसनर को हम नहीं कॉल करते, टेक्नोलॉजी कॉल करती है, और टेक्नोलॉजी को क्या पता कि किस क्लास में मुझे जाके इसे एग्जीक्यूट कराना है। तो अपने पेरेंट के रेफरेंस से वो मेथड्स, अपने वाले मेथड्स को कॉल करके स्टैटिक बाइंडिंग का कोड इंटरनली उन्होंने लिख रखा है। उन्होंने क्लास डॉट फॉर नेम से उन्होंने क्लास क्लास को ऑब्जेक्ट लेके रखा हुआ है, सी डॉट न्यू इंस्टेंस के थ्रू उसे टाइपकास्ट कर रखा है इंटरफेस के रेफरेंस में, जैसे हम लोगों ने किया था। वहां डिसीजन ये नहीं पता है कि कौन सी क्लास आएगी, जो भी क्लास आएगी उसका ऑब्जेक्ट बनेगा, रेफरेंस होगा पेरेंट का, उन्होंने पेरेंट के मेथड्स को कॉल करने का कोडिंग लिख रखा है, बट एग्जीक्यूट आपका हो जाता है क्योंकि ऑब्जेक्ट आपका आया है। तो ये वाला कंसेप्ट, तो यहां पे ये चीजें आपको तभी समझ में आएंगी कि एब्सेंट क्लास में एब्सेंट स्टैटिक मेथड क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि स्टैटिक मेथड की स्टैटिक बाइंडिंग होती है, स्टैटिक मेथड की स्टैटिक बाइंडिंग होती है, और एब्सेंट मेथड की डायनेमिक बाइंडिंग हो रही है, तो दोनों एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी है। एब्सट्रैक्ट कहता है मुझे डायनेमिकली बाइंड कराना है मेथड को, देखो मेथड कॉल होगा इसका, बट एग्जीक्यूट इसका हो जाएगा, डायनेमिक बाइंडिंग हो जाएगी, रन टाइम पॉलीमॉर्फिक हो जाएगा, और स्टैटिक मेथड जो होता है स्टैटिकली बाइंड हो जाता है, जिसके रेफरेंस से मेथड कॉल करोगे उसी का ही कॉल होगा, उसी का एग्जीक्यूट। तो स्टैटिक मेथड स्टैटिकली बाइंड होता है और आपका एब्सट्रैक्ट मेथड डायनेमिक बाइंड होता है, दोनों एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी है। बाहर बैठ जाओ, आपकी क्लास नहीं चल रही है तो बाहर बैठो ना। तो ये दोनों जो है एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी हो गए, तो जहां पे कॉन्ट्राडिक्शन आता है दोनों एक चीजें नहीं हो सकती, इसलिए इलीगल मॉडिफायर। तो कभी इंटरव्यू में यही पूछ लेते हैं कि व्हाई वी कैन नॉट हैव एब्स्ट्रैक्ट स्टैटिक टुगेदर, व्हाई वी कैन नॉट हैव एब्स्ट्रैक्ट स्टैटिक मेथड टुगेदर, बिकॉज एब्स्ट्रैक्ट मेथड इज एसोसिएटेड विद क्लास और ऑब्जेक्ट, एंड स्टैटिक मेथड इज एसोसिएटेड विद क्लास, उसकी स्टैटिक बाइंडिंग इसकी डायनेमिक बाइंडिंग होती है, समझ सकते हो। फिर अगर एब्स्ट्रैक्ट मेथड स्टैटिक बना दोगे तो स्टैटिकली बाइंड होगा, पेरेंट का ही कॉल होगा, हमेशा पेरेंट का ही कॉल, पेरेंट का एग्जीक्यूट, ठीक है। और प्राइवेट मेथड एब्स्ट्रैक्ट प्राइवेट क्यों नहीं हो सकता, एब्स्ट्रैक्ट प्राइवेट मेथड इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि प्राइवेट मेथड क्लास के बाहर कभी नहीं जाते, प्राइवेट मेथड को क्लास के बाहर आप कभी नहीं ले जा सकते, और एब्स्ट्रैक्ट मेथड को क्लास के बाहर ले जाके ओवरराइड करना पड़ता है डायनेमिक बाइंडिंग के लिए। तो एब्स्ट्रैक्ट प्राइवेट इसलिए नहीं हो सकता, एब्स्ट्रैक्ट फाइनल क्यों नहीं हो सकता क्योंकि फाइनल मेथड कभी ओवरराइड नहीं होती, एब्स्ट्रैक्ट प्राइवेट, एब्स्ट्रैक्ट स्टैटिक, एब्स्ट्रैक्ट फाइनल, फाइनल क्यों नहीं हो सकता क्योंकि फाइनल मेथड कभी भी ओवरराइड नहीं होते, इसलिए एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड
क्लास पे क्यों लगता है, समझ में आ गया? डेटा पे क्यों नहीं लग सकता, डेटा का एब्स्ट्रैक्शन नहीं होता है। स्टैटिक क्यों नहीं बना सकते, कंसेप्ट क्लियर हो गया। एब्स्ट्रैक्ट क्लास के ऑब्जेक्ट क्यों नहीं बन सकते भाई, व्हाई वी कैन नॉट क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास? ऐसा क्या ऐसा होता है? क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास इज नॉट इंप्लीमेंटेशन, इट इज जस्ट अ व्हाट डिक्लेरेशन, इट हैविंग अ डिक्लेरेशन ऑफ मेथड। बताओ इनके ऑब्जेक्ट बना के करोगे क्या, इनका यूज क्या है? ये एक समझ लो कि एक एब्स्ट्रैक्शन को अचीव करने का एक इंटरफेस होता है, बस एक माध्यम है, इंप्लीमेंटेड नहीं होता है ना, इट इज नॉट इंप्लीमेंटेशन। इसके ऑब्जेक्ट बना के करोगे क्या? एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स को क्यों नहीं बनाते हैं, इसका क्या लॉजिक है? सपोज करो एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनने लगे तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बना के इसकी इसी एब्स्ट्रैक्ट मेथड को कैसे कॉल करोगे? लॉजिक कहां है? लॉजिक तो है ही नहीं। फिर क्या एग्जीक्यूट होगा? कुछ नहीं। फायदा क्या है? कुछ भी नहीं। सो इट इज जस्ट इंटरफेस, समझ में आ रहा है? इंटरफेस इन द सेंस, इंटरफेस कंसेप्ट की बात नहीं हो रही है, एक स्ट्रक्चर की बात हो रही है। इंप्लीमेंटेशन नहीं होती है, ये इंप्लीमेंटेड नहीं होती है, इसमें डेफिनेशन इसी मेथड की नहीं होती है। नहीं तो हम इस एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिक्लेयर करके एब्स्ट्रैक्ट की डेफिनेशन यही देने लगेंगे और अपना ऑब्जेक्ट बना के इसे यही चलाने लगेंगे, फिर नॉर्मल क्लास और एब्स्ट्रैक्ट क्लास में कोई डिफरेंस ही नहीं रह जाएगा। कुछ तो रोकना है, कुछ तो डिफरेंस लाना है। दैट वे एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन नॉट बी इंस्टेंशिएटेड। सो दीस काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर जनरली आस्क्ड बाय द इंटरव्यूअर। एब्स्ट्रैक्ट क्लास के ऑब्जेक्ट क्यों नहीं बन सकते, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट अगर बन गया तो नहीं, बन तो ऐसे नहीं सकता है, बट कोई सिचुएशन बना के दिखाओ तो उसका एक अलग तरीका होता है, मैं आपको बताऊंगा। एक्चुअली ऑब्जेक्ट तो बनता ही नहीं है, बड़ो बेवकूफ बनाने वाली चीजें होती है किसी ने क्या करा कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के आगे ऐसे लिख दिया, जैसे ये बेस नाम की क्लास है तो न्यू बेस लिख दिया, और बेस लिखने के बाद ऐसे ओपनिंग क्लोजिंग करी और यहां से ऐसे कर्ली ब्रेसेस ओपन कर दिया, यहां से भी कॉलन लगा दिया, बोल देंगे देखो ऑब्जेक्ट बना देंगे हम चला देंगे। तो ये जो तरीका होता है इसको नेक्स्ट क्लास में हम समझेंगे कि ऐसा कैसे होता है, ये क्या कंसेप्ट है, कि अगर आप यहां से भी कॉलन लगाओगे तो कभी चलेगा नहीं, बट एक ऐसा तरीका होता है कंफ्यूज करने के लिए, वो हम नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। नेक्स्ट क्लास कंसेप्ट होता है, एक एनोनिमस नेक्स्ट क्लास होती है वो।